Hey guys, welcome back to another vlog. स्वागत है आप सबको एक और नया ब्लॉग में। और आज मतलब अभी वक्त हो रहा है 4:12 और नींद से उठा था 12:30 बजे। तो खाना वाना खाने के बाद थोड़ा बहुत खाना वाना पकाया, फ्रेश हुआ, उसके बाद अभी 4 बज चुका है और काम पे जाने वाला हूँ। सो गाइज, अभी सुबह की 6 बज रहे और रात को सोया नहीं था। काम से आने के बाद खाना वाना खाकर बस बैठकर थोड़ा बहुत इधर उधर कर रहा था और अभी 6 हो रहे हैं। और पूरे 30 दिन अपनी मरवाने के बाद कुछ पैसा मिला है, जो अभी अगर सो गया तो सोने के बाद जब उठूंगा तो पूरा पैसा खत्म हो जाएगा। अब वो पैसा कैसे कैसे खत्म होता है वो मैं आप लोगों को दिखाऊंगा इस ब्लॉग में। और नींद भी काफी सारा आ रहा है। एक्चुअली ये हफ्ता जो है वो थोड़ा सा दिक्कत है, इसलिए मैं रात को सो नहीं पा रहा हूँ। शायद अगले हफ्ते से ये ठीक हो जाएगा। और मतलब ऐसा चल रहा है कि रात पूरा रात जगता हूँ और सुबह 6-7 बजे के बाद ही सो पाता हूँ। सो गाइस, अभी 12 बजने में लगभग 14-15 मिनट बाकी है और मेरा पहला अमाउंट जा रहा है, मतलब पहला पेमेंट जा रहा है नॉरेन को, जो कि है 664। तो ये पहले सबसे पहले नॉरेन को ट्रांसफर कर देते, क्योंकि मैंने काफी दिन पहले उससे रिचार्ज लिया था लेकिन उसको पैसा नहीं दिया, क्योंकि पैसा नहीं था लेकिन बंदे ने मदद कर दी, तो आप पहले अमाउंट उसको दे रहा हूँ। ओके गाइस, तो नॉरेन को पूरा पैसा नहीं दिया, 500 रुपए दिया है, क्योंकि और भी लोगों को रुपया देना है। तो अगर पैसा एक्स्ट्रा रहता है तो ही मैं नॉरेन को बाद में बाकी का पैसा जो है वो पेमेंट करने वाला हूँ। अब दूसरा पेमेंट जाएगा सुमन को, क्योंकि जब मैं यहाँ पर आ रहा था तो गाड़ी का जो रेंट है वो सुमन ने दिया था, तो वहां पर जाएगा 800 रुपया। वहां पर मुझे पूरा पैसा देना होगा तो ट्रांसफर करते पहले उससे। तो गाइस, जा चुका है फिर से 800 रुपया, मतलब मेरा आधा सैलरी यही पे खत्म हो गया। अभी भी एक अमाउंट देना बाकी है जो कि रेंट है उसका, तो अभी जाकर देने वाला हूँ। इसमें भी इसमें चला जाएगा 1150 रुपया। वैसे मैं थोड़ी देर पहले नींद से उठा था, मैंने बोला था कि नींद से उठते ही मेरा सैलरी खत्म हो जाएगा, तो ये कुछ हालत है। मतलब पिछले 30 दिनों से अपनी मरवाने के बाद इतना सैलरी आया कि सब कुछ थोड़ी देर में चला जा रहा है। तो आज है 1 जुलाई और आज है रथ यात्रा, तो आप सबको हैप्पी रथ यात्रा। और सामने जा रहा हूँ जो हमारे मालिक का दुकान, मतलब हमारे रेंट हाउस का जो मालिक है उनकी दुकान पे जा रहा हूँ। देखते हैं, उनके साथ थोड़ा बहुत बातें करेंगे, उसके बाद ही पेमेंट कर दूंगा। सो गाइस, अभी रेंट हाउस पे चला गया 1156 रुपये। और अब जिस बंदे से खाट लाया था उनको देने जा रहा हूँ 150 रुपये। और साथ में देखते हैं कि वो जो खराब पार्ट से वो रिप्लेस हो पाता है कि नहीं हो पाता है, तो चलते हैं इनके पास। अब वो बंदा घर पे होगा या नहीं होगा ये बात भी नहीं होगा। तो वैसे ये वाला घर है, पहले हम यहाँ पर रहते थे, इस वाले रूम पे रहते थे हम लोग, मैं और सुमन रहते थे। तो ये था कुछ मतलब लेन देन की कारोबार। और भी देना है, मैं बाकी का जो पेमेंट है वो बोल करके रखा है क्योंकि मेरे पास पैसा खत्म हो चुका है। और थोड़ा ही पैसा रखा है मैंने क्योंकि एक बार घर जाना है, कुछ इंटरव्यू से रिलेटेड काम भी है और कुछ पोस्टर लगाने के लिए भी पैसा चाहिए। तो मतलब और सबसे बड़ी बात, 2 दिन में रिचार्ज खत्म हो जाएगा, उसके लिए भी पैसा रखा है। बस इतना ही है पैसा बचा है। और रहा बात खाने पीने का, वो घर से जुगाड़ करना पड़ेगा, उसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। सो हे गाइज, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। स्वागत है आप सबको एक और नया ब्लॉग में। सो आप लोगों का दिन कैसा चल रहा है आप लोग कमेंट करके बताइए। मेरा तो बहुत ही बुरा जा रहा है क्योंकि मेरा सैलरी आते ही खत्म हो गया। सो गाइज, अभी काम पे जा रहा हूँ। और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। सो गाइस, मैं तो अपने गांव पे रात में नहीं जा पाया, सामने एक रात आ रहा है छोटा सा, ये रहा सामने रात। जय जगन्नाथ। और साथ में बच्चों ने छोटा सा रात लेकर आ रहा है। गाइस, ये वाला रोड जाम है, इतना ज्यादा जाम काहे लगा है, सामने पुलिस है क्या है, लगा दिए। यहाँ पर रात आने वाले इसलिए यहाँ पर रास्ता जाम है, यहाँ पर भी जाम है, तो हम लोग दूसरी तरफ से घूम के जाने वाले थोड़ा सा। वैसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं, साल में एक दिन से यहाँ पर रात आने वाले हैं।
कहाँ से रोज जा रहा है, ये जाम देख सकते हैं। अच्छा खासा जाम लग गया है। सुबह सामने एक रथ आ रहा है, उसको कैप्चर करने के लिए मैं आ गया उस तरफ से, और काफी ज्यादा भीड़ लग गया है, देख सकते हैं आप लोग। सब लोग रथ देखने के लिए, एक्चुअली यही तो मजेदार बात है। मैं जा रहा हूँ अपने काम से, गाइस मैं काम से भागकर आ गया, जल्द से जल्द निकाल लेता हूँ।